अपनी तरफ से नहीं आपकी तरफ से डेडिकेट कर देती हूँ, बट इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, आई लव इट. अच्छा, हमारे पास आज मौजूद है मुकीम खान साहब और हम उनसे बहुत सारी बातें कर रहे थे. आपके कुछ और इंटरेस्ट भी हैं बिसाइड्स फिल्म मेकिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल डिजाइनिंग, तबला भी बजाते हैं, म्यूजिक पे भी इंटरेस्ट है, इसके अलावा लिखते भी हैं. हाउ डू यू मैनेज टू डू सेवरल थिंग्स बिसाइड्स योर जॉब? आई थिंक शुक्रिया कि आपने आई थिंक मेरी वेबसाइट को काफी सर्च किया हुआ है एंड आई कैन सी कि यहाँ पे तबला भी है, यू नो, बट इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज. बहुत बहुत शुक्रिया. दीज आर ऑल टू बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे जो सारी ये फील्ड्स आपने जो कही हैं, सब प्लेटफॉर्म्स हैं किसी भी एक्सप्रेशंस के और मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस के, और ये सब यू नो इंसान को सोचने का मौका देते हैं, इंसान को कुछ कहने का मौका देते हैं या इंसान को कुछ ना कहने का मौका भी देते हैं. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म मेकिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, दीज आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपने आप को कुछ कहने की कोशिश करते हैं. म्यूज़िक फॉर मी ऑर्गेनाइज साउंड, और इंसान की ये एक भूख होती है कि वो किसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज देख सकें. तो जब म्यूज़िक आप देखते हैं तो उसके अंदर कितना आपको ऑर्गेनाइज साउंड पता चलता है. आर्ट्स और डिज़ाइन भी इसी तरह से दे आर ऑर्गेनाइज थाट्स. तो उनको जब आप किसी भी कैनवस पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो वो किसी तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं. मगर चीज़ जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो स्पेशली परकशन के अंदर, उसमें जब सम आता है तो आपको उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी पता होती है कि ये धा तिट ता तिट, उसके बाद दोबारा आपको धा पे आना होता है. आई थिंक इंसान की एक बड़ी पुरानी सी एक डिजायर है या हंगर है कि उसको पता चले कि फ्यूचर में क्या होने वाला. ओह, सो ट्रू, सो ट्रू. आई फॉर मी इट्स लाइक अ प्लेजरेबल प्रेडिक्टेबल एक्शन और मे बी एक्टिविटी. बड़े मजे की बात की. आई लाइक द वे यू कंसीव म्यूजिक, आपका जो परसेप्शन है बड़े मजे का है. तो आप कुछ सुनाएंगे तबले पे, तबलों पे? इतना ज्यादा तो मैं मगर ये कि तबला इटसेल्फ इट्स अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट. ऑनेस्टली ये एक मेलोडी भी है और एक परकशन भी है, सियाही है, मैदान है, किनारा है, गोट है, फिर जहाँ पे आप उंगलियाँ मारते हैं वहाँ पे उसकी मुख्तलिफ साउंड पता चलते हैं. इसी तरह तबला जो है इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, पूरा हिसाब चल रहा है. जब तबला प्लेयर बजा रहा होता है तबले को तो वो उसके जहन में वही मात्रे या उसके सिलेबल्स चल रहे होते हैं. जैसे अगर छह मात्रा है तो वो धा तिट ता तिट, तो धा तिट ता तिट धा तिट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 धा. फिर इसी को आप तेज कर देते हैं, ता तिट ता तिट ता तिट ता तिट धा तिट, 1 2 3 4 5 6. फिर ये दादरा जो है, ये दादरा था, उसके बाद वो कहरवे में तब्दील हो जाता है. धा धा तिट ता ता तिट धा धा तिट ता ता तिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7. इट्स नॉट अ हार्ड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट. ये बढ़ते चले जाते हैं मात्रा, फिर 16 मात्रे आ जाते, धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ना तिन तिन ना तब धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ना तिन तिन ना धा दिन दिन ना, और उसके बाद 16 के बाद बढ़ते चले जाते हैं मुख्तलिफ. तो धा दिन दिन तो आई थिंक इट्स सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट वेयर यू हैव अ मेलोडी एट द सेम टाइम परकशन, और उसके साथ साथ आपका 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 जहन जो है वो हिसाब किताब कर रहा होता है कि सारे जो सिलेबल्स हैं वो अपनी जगह बैठ रहे हैं नहीं, फिर आपकी कोऑर्डिनेशन होती है जहन से हाथ की. तो I really enjoyed it. It was a good companion. तो हमें सब के साथ अगर सुनाया जाए कुछ, सारे सुरों के साथ, है ना, सही कहा ना मैंने? उसके लिए तो कोई बाजे की भी जरूरत होती है, हारमोनियम वगैरह. मैं मुंह से बातें करके बाजा बन सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती. लेकिन कुछ कुछ है ऐसा? I think जो भी अगर जैसे दादरा है, सोलो दादरा है, तो उसमें धा तिट ता तिट ता तिट धा तिट इन अ दो उसके बाद आशियाने की बात करते हो दिल जलाने. इसी तरह से सारे मुख्तलिफ गानों में तबला प्लेयर जो हैं वो आते हैं. कौन सा गाना आपका फेवरेट? बहुत सारे गाने. विच वन, कौन सा ऐसा है जो आप ज्यादा बजाते हैं और गाते हैं साथ?
उस्ताद अमानत अली के गाने इतने अच्छे हैं, उसमें इतनी उतना उनकी आवाज़ में इतना यू नो, उसमें जो तबला बजता है अमेजिंग है, उसमें सिंपल तबला है मगर आवाज़ और सुर इतने ऊपर चले जाते हैं, इंशाजी उठो अमेजिंग, बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं। तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए, they're all waiting because ab aapne itne sare lessons de diye, they want to know. I think aapke paas shayad recording hogi, that would be better kya agar wo aap to live performance ki se baat alag hoti hai. Live ke liye agar aap baje ya harmonium ka intezam karti hain to mukhtalif ghazlein wo, that's your right actually, lekin tabla pe agar kuch ho jaye to tabla pe अभी आपको दिखाया तो था, काफी नहीं है। मैं ब्रेक पर जो ना इनसे पूछती हूँ, जरा मुझे भी सिखा दे तो फिर आई विल पॉसिबली हेल्प हिम आउट। अच्छा, अगर आप गाएं तो फिर मैं आता हूँ, व्हाई नॉट, कोई भी आप गाना गाएं उसके अंदर मैं। ओह माय गॉड, अच्छा कौन सा आपको पसंद है? कोई भी, जगजीत का चित्रा, जगजीत चित्रा का, या मुख्तलिफ यू नो मलका तरन नूर जहां, हिमेश रेशमिया, और कंप्लीटली इग्नोर कर दी है बात। प्रॉब्लम द अमेजिंग थिंग इज दादरा कहरवा, ये इनके मुख्तलिफ वेरिएशन अक्सर गजलों में चल जाते हैं और वो बड़ा अच्छा है, कोई भी आप गजल गाएंगी तो वो कहीं ना कहीं उसके चल रहे होंगे। मैं तो यहाँ, मैं इन्होंने मुझे उल्टा फंसा दिया, वैसे नॉर्मली होता है कि मैं अपने गेस्ट को फंसाती हूँ, आज गेस्ट ने मुझे जो है वो बिल्कुल बोल्ड कर दिया। तबला तो कभी किसी के साथ ही बजता है ना, दैट इज ट्रू।